ये नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, तो फिर कौन सा है? नहीं, ये सुनो नहीं। ये अंडू बटन दबाना बंद करो, फिर से फेल होगा क्या? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो तुमने फोटो भेजी थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। आंखों में देखना बात करने का एक तरीका होता है, इससे क्लियर इमेज नजर आती है। अच्छा भाग क्यों गए? मैं भागा नहीं हूं, मुझे एक आइडिया मिल गया, बहुत ही अच्छा आइडिया मिला है। अरे अब ये क्या मुसीबत है? इतना नजदीक आना जरूरी है क्या? कम्युनिकेट कर रही हूं। तुम यहां किस लिए आए हो? तुम जानते हो, अगर मिस्टर धनराज को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुश्किल हो जाएगी, तो तुम्हारा खेल खत्म, समझे? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? तुम्हें अफसोस नहीं है इस बात का? जरा सा भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे तरीके से खेलते हैं। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हे, नो गन। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। Ah!
अंदर मेरी टेरिटरी है और यहां से बाहर तुम्हारी है। समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? ये राज तुम तक ही रहना चाहिए। वो तो देखा जाएगा। शिल्पा, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह मिल जाए। मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मैं पैदा ही मरा हुआ था। अच्छी चॉइस है। स्लो मोशन में जब भी मैं उसे देखता हूं
मन करता है कि बस उसे देखता ही रहूं। ऐसा लगता है कि वक्त की चाल धीमी हो गई है। क्या मेरे दिल में जो उसके लिए फीलिंग है, ये उसकी वजह से है? मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि अपने दिल की बात मैं क्या हुआ? इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? मुंह क्या देख रहे हो? काम पे लग जाओ। हाँ आ रहा हूं। हाँ जल्दी आओ। आओ बैठो यहाँ। ये लो, ये सारा काम तुम्हें ही करना है, समझ गए ना? मैं और भी ला रहा हूं। तुम एकदम निठल्ले हो गए, ये लो। अरे कहाँ चला गया? ओहो, लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, पता नहीं कहाँ गया। अब ये सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो तुम हंसते ही रहते हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या हुआ? तुम्हारा दिल ड्रम की तरह धड़क रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और वो वैम्पायर्स के बारे में है। क्या? एक इंसान और वैम्पायर के बीच क्या प्यार हो सकता है? बहुत ज्यादा। हाँ? कैसे? सच में हो सकता है? ज्यादातर इंसान को दूर रखा जाता है, पर ऐसा क्यों करते हैं? वैम्पायर के पास दिल नहीं होता। मेरा मतलब, वैम्पायर के दिल में इंसानों के लिए फीलिंग नहीं होती। हम लव और कनेक्शन ब्लड लाइन से महसूस करते हैं। इंसान से प्यार करने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छा करें। अच्छा, लेकिन अगर कोई इंसान किसी वैम्पायर को मतलब पसंद करना शुरू कर देता है तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे वैम्पायर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं उनके बारे में जानता भी नहीं हूँ। उस इंसान को संभल कर रहना होगा। अगर उसे सच में प्यार हो गया है और अगर वो साथ रहना चाहता है तो। ओ, ये तो अच्छी बात है ना। तो काटना पड़ेगा। अच्छा, काटना पड़ेगा। तो काटने की शुरुआत कहां से? क्या मैं यहां बैठ सकती हूं अगर तुम चाहो तो? मेरा पेट भर गया है, मैं जा रही हूं। क्या कर रहे हो? ओ, कितना यमी है। ओ, 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 ये मेरे पास भी है, देखो ना कितने सारे हैं। ये लो तुम खाओ। थैंक यू। सेहत के लिए अच्छा है।
उस होटल के नीचे का नाइट क्लब। हाँ वो किसी फॉरेनर का है, मैंने उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली है। मुझे लगता है कि वो क्लब यहीं कहीं होगा। तुम पुलिस वाले बन सकते हो। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि पुलिस वालों को मुझसे बेहतर काम करना आता है। ये खत्म होने के बाद हम चलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अलग होना होगा। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम अपना काम करेंगे और तुम अपना गोल पूरा करो। अब शिल्पा तुम अपना ध्यान रखना। वो रूम है। कैसे हो सकता है, यहां तो कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें उस लोकेशन के बारे में खून से पता चला था तो वहां कुछ तो होना चाहिए, पर वहां कुछ था ही नहीं और किसी से पूछना भी बेकार है। वहां रूम में जो कुछ भी सामान है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हे, तुम्हारे पास और कोई सुराग नहीं है? नहीं। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। Hey Susan, अब से हमें हर हॉस्पिटल पे हर दिन नजर रखनी होगी। हाँ आपने सही कहा सर, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो हमें इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर हो गया सर, आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, ये आपका ही प्लान है। क्या कहा तुमने, मैं वीक हूं? नहीं सर, मैंने ये तो नहीं कहा।
सर उधर देखिए वो लोग आ गए। हर रात को ये एक वैन है जो सीसी कॉर्पोरेशन के हर हॉस्पिटल में आती जाती है। सूजन ये सिचुएशन एनालाइज करो। मुझे लगता है ये लोग ड्रग्स डिलीवर कर रहे हैं। ड्रग डिलीवरी? ये लोग नर्स की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। मुझे तो ये सब लोग गैंगस्टर्स लग रहे हैं। मुझे लगता है इनके पास हथियार भी हैं। क्यों तुम तो कमजोर नहीं हो ना? नहीं बस थोड़ी सी थकान है। ओके आज के लिए इतना काफी है। मैंने उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली है। वो क्लब यहीं कहीं होगा। बॉस के पास जाना। अगर तैयार हो तो मेरा पीछा करना। तुम्हें अकेले जाने को किसने कहा?
तुम्हें मरना है क्या? तुम तो वही हो जिसने मुझे शिल्पा के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, तुम इसमें दखलअंदाजी मत करना। अब तुम्हें जो मिला है वो मुझे दे दो। ओके, तुम्हें पता चल जाएगा। ये चाहिए ना? तुम्हें तो मैं तुम रुक जाओ शिल्पा। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? नहीं जानता तो अच्छा होता। अगर तुम अभी भी अपनी बहन और इस लड़के के बारे में सोच रही हो तो अपनी बहन को ढूंढना बंद कर दो। अगली बार तुम इतनी लकी नहीं होगी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। उसने मुझे नहीं मारा। मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। क्या वो खून लेकर गया? हाँ, लेकिन मोस्टली खून नहीं था। असली खून
इसमें है। आराम से करो, दर्द हो रहा है। तो मैं आराम से करूं? और तुम अपना दिमाग नहीं चला सकते थे? वहां अकेले क्यों चले गए? असल में तुम अभी आराम से ही कर रही हो। तुम मुझे अभी चढ़ा रही थी क्या? जब मैं नर्स थी तब ये सब करती थी। तुम पहले नर्स का काम क्या करती थी? ओ, मुझे लगा तुम्हें लोगों को मारना आता है, बचाना नहीं आता। ओ सॉरी, माफ कर दो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये सब करने के लिए थैंक यू। बहुत हो गया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम यहां सो सकते हो। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं अब चलता हूं। तुमने जो काम किया ये उसके लिए था। मैं बस ये चाहता था कि आप शिल्पा तक ना पहुंचे। बस एक और। तुम मेरे बारे में नहीं, शिल्पा के बारे में सोच रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं। अच्छे से सो जाओ। लेके जाओ इसे। बॉस, क्या मैं शिल्पा को मार सकती हूं? नहीं, अभी जरूरत नहीं है। जितना हम लोग उसे अनदेखा करेंगे वो उतना ही हमारे करीब आएगी। छोड़ो उसे, उसे वैम्पायर के तिलों से खून पीने दो जब तक वो पागल ना हो जाए। पहले उसे अपनी बहन को ढूंढने दो। ठीक है। मुझे लगता है मैं शिल्पा को मार दूंगी। मैं तुम्हें देखने के लिए सबूत लेके आऊंगी, जैसे कि उसका सर या फिर तुम्हें कुछ खास चीज चाहिए। उसे छूना भी मत। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं वादा करता हूं तुम मरोगी। ऐसा है तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी शिल्पा वैम्पायर का खून पीकर खुदकुशी ही तो कर रही है।
तुम कहना क्या चाहती हो? बॉस ने कहा है कि वो जितना खून पिएगी उतना पागल होती जाएगी। दूसरे का खून उसे मैच नहीं करेगा और शायद वो मर भी सकती है। वो अभी तक आई क्यों नहीं? ए, जा कहाँ रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो मैं हाफ डे की लीव लेके जा रहा हूं। काम पर नहीं गए? मैं भी तुमसे यही पूछने आया हूं, तुम आई क्यों नहीं? मैं थक गई हूं। वैम्पायर भी थकते हैं क्या? तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? वो मेरा फोन साइलेंट पर था। छोड़ो, जाने दो। बर्गर खाओगे? चलो साथ में खाते हैं। अपने हाथ धो लो।
मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे बताने की मुझमें हिम्मत नहीं है। शायद वो भी यही महसूस करती हो। ये एक तरफा प्यार है इसलिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। सुजन। यस सर। पानी। थैंक यू सर। ये इंतजार है मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हेलो। मैं फोटो देख सकती हूँ। अच्छा ये तो मेरा ब्लड है। शिकवा है ना शिकवा।